जनार्दन नहीं, मेरे तो परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद। सर्वप्रथम विधानसभा के चुनाव के बाद और लोकसभा के चुनाव के बाद पहली बार मेरी यहां मेरा आगमन भिंड में हो रहा है। जो भिंड की जनता ने एक स्पष्ट संदेश पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, लेकिन एक स्पष्ट संदेश पूरे राष्ट्र में भेजा है कि भिंड का विश्वास, भिंड की आशा विलासा, भिंड की विकास की सोच अगर कोई पूरा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी कर सकती है। मेरे भाई और बहनों, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हाथ जोड़कर, क्योंकि आज भी मुझे याद है विधानसभा के चुनाव में इसी मंच पर मैं उपस्थित था जब आपके और मेरे नरेंद्र सिंह जी के लिए प्रचार करने के लिए मैं आपके समक्ष निवेदन करने के लिए आया था। और मैंने उस समय भी कहा था कि अगर आपका आशीर्वाद नरेंद्र सिंह जी के साथ रहेगा तो भिंड की प्रगति और विकास अकेले नरेंद्र सिंह जी की नहीं लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद लोकसभा चुनाव आए, सिंधिया जी के लिए प्रचार करने के लिए मैं आया बिन बुलाए। स्वयं में उपस्थित हुआ क्योंकि जो आशीर्वाद आपने प्रदान किया था विधानसभा के चुनाव में, प्यार से कहते जिंदगी पल पल की है, जितना प्यार दोगे उतना प्यार बटोरोगे। आप मुझे मैं हूं ना, आप चिंता मत करो, आपकी चिंता मैं करूंगा ना। और लोकसभा चुनाव में भी जहां विधानसभा चुनाव में 230 में से 163 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम आपने लहराया वहां लोकसभा में आपने तो पूरे मध्य प्रदेश में और ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस का खाता ही खोलने नहीं दिया। तो मेरा ऋण, मेरा ऋण आपके प्रति एक नहीं लेकिन दुगुना हो चुका है। और मैं ये विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, मेरे पूर्वजों की तरह, चाहे माधव महाराज हो जिन्होंने पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में बांधों की श्रृंखला लगाई थी अन्नदाता के लिए, व्यापारियों के लिए विदेश में देखकर ग्वालियर में चेंबर ऑफ कॉमर्स बनवाया था, ग्वालियर से शिवपुरी, ग्वालियर से श्योपुर और ग्वालियर की और भिंड की रेलवे लाइन लगाई थी, चाहे मेरे पूज्य पिताजी हों जो लोग कहते थे गुना इटावा रेलवे लाइन सपना देख रहे हैं, सपना साकार करना है तो मेरे पूज्य पिताजी की जीवन काल देख लो, जैसे गुना इटावा रेलवे लाइन साकार करके दे दिया, नहरों का जाल बिछा दिया, भिंड में स्पोर्ट्स का स्टेडियम स्थापित किया, मालनपुर में औद्योगिक केंद्र स्थापित किया, एक एक विकास प्रगति की श्रृंखला, केंद्र विद्यालय स्थापित की, नवोद्यालय स्थापित की,
और अगर उन पूर्वजों का खून मुझ में है तो मंत्री बनने के बिना भिंड के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए विद्युतीकरण योजना और शहरी क्षेत्र के लिए एपीडीआरपी योजना के तहत 150 करोड़ की राशि मैं लेके आया था भिंड के लिए। यहां एक तरफ अटल एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई है, यहां इटावा से भिंड से अटेर से निकलते हुए मुरैना और श्योपुर और कोटा तक ये सड़क जाएगी। वहीं दूसरे तरफ जो मांग रखी गई है भैया कि भिंड से ग्वालियर की सड़क 4 लेन हाईवे बननी चाहिए, मैंने संध्या जी, देवेंद्र जी, नरेंद्र सिंह जी सबसे मैंने कहा है, साथ में हम लोग जुड़ेंगे और लोगों की आशा और अभिलाषा पर खड़े उतरने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। अभी पवन जी कह रहे थे सोनागिर और शिखर जी के लिए ट्रेन मैंने दिलवाई, जैन समाज के लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए, जैन समाज के लिए मेरे डाक विभाग से मैंने डाक टिकट दिलवा दी है ताकि स्मृति हमारे गुरुजनों का चिरस्थाई बने। और आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि जहां एक तरफ आपकी मांग है ये रोड की, वहां ट्रेनों की मांग भी रेल मंत्री के पास डेलीगेशन के साथ हम लोग जाएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। सिंधिया परिवार की सोच और विचारधारा विकास की है, प्रगति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद प्रदान किया, नागर विमानन विभाग दिया। नरेंद्र सिंह जी मेरी आर्य अम्मा का संदर्भ दे रहे थे, छोटा विमानतल उनके नाम पे था। मैंने संकल्प किया कि पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विमानतल बनेगा, 2.5 लाख स्क्वायर फुट का विमानतल, 600 करोड़ रुपए का, साधारण तौर पर 5 साल की अवधि लगता है, 16 महीने में मैंने तैयार करके आपको दे दिया। आज भिंड का व्यक्ति दिल्ली जाना चाहता है, मुंबई जाना चाहता है, बंगलुरु जाना चाहता है, अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करना चाहता है तो ग्वालियर के विशाल हवाई अड्डे से देश के किसी भी कोने में आप पहुंच सकते हो। आप में से कितने लोगों ने हवाई अड्डा देखा है ग्वालियर में? अच्छा लगा, अच्छा लगा कि टॉप, अच्छा लगा? ग्वालियर की संस्कृति, ग्वालियर की धरोहर, ग्वालियर की प्राचीनता उस हवाई अड्डे के कण कण में हमने अंकित कर दी है। मेरे भाई और बहनों, जो व्यक्ति आएगा ग्वालियर में वो ग्वालियर के इतिहास के साथ सामने आमने सामने परिचित हो जाएगा हवाई अड्डे के अंदर। दतिया में हवाई अड्डा बन चुका है, अगले 2 माह में तैयार हो जाएगा। रीवा में हवाई अड्डा तैयार हो गया है, सतना में हवाई अड्डा अभी बन रहा है, सब मेरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से स्वीकृत हुए थे। आज मध्य प्रदेश में 5 नहीं 8 हवाई अड्डे बन रहे हैं और 3 और मैंने स्वीकृत कर दिए थे अपने समय में, एक श्रृंखला हवाई अड्डे की शुरू हो जाएगी। आज सदस्यता अभियान के लिए मैं आया हूं, आज से निवेदन करना चाहता हूं, आप ये मत समझना कि ये एक राजनीतिक पार्टी की सदस्यता अभियान है। भारत को अगर विकास के शिखर पर पहुंचाना है, भारत के जन जन के समक्ष अवसरों का भंडार अगर दिलवाना है तो वो एक ही शक्ति दे सकती है, वो शक्ति का नाम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। मेरे भाई और बहनों, जिस भारतीय जनता पार्टी ने नए कीर्तिमान स्थापित करके दिखा दिया, 10 साल में 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला का गैस सिलेंडर और चूल्हा दिलवा दिया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने देश के क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड 30 करोड़ धारकों को दिलवा दिया, जो भटकते थे घर दर पे, ऋण लेना पड़ता था, हमारे परिजनों का इलाज कराने के लिए
आज 5 लाख की सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई है। और इस चुनाव के बाद जितने लोग 70 साल की उम्र से आगे हैं उनको भी निःशुल्क आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। 30 करोड़ का आंकड़ा 6 करोड़ और डालकर 36 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 36 करोड़ मतलब क्या? मुंह से निकालना बहुत आसान है। एक एक व्यक्ति के हाथ में कार्ड दिलवाना आसान बात नहीं है। 36 करोड़ मतलब अमेरिका से ज्यादा आबादी, 36 करोड़ मतलब संयुक्त यूरोप की 70% आबादी को भारत में स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रधानमंत्री जी ने प्रदान की कर दिया है। मेरे भाइयों बहनों, 3 करोड़ घर बने हैं 10 वर्षों में। जहां घर बने हैं, जहां एक एक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड मिला है, महिलाओं को उज्ज्वला की योजना बनी है, 3 करोड़ लोगों को घर बन के दिए हैं। 75 वर्ष में 3 करोड़ घर नहीं बने थे जिस देश में भारतीय जनता पार्टी ने 3 करोड़ लोगों को 10 साल में घर बना के दे दिया। और अभी पिछले माह कैबिनेट में 2.5 लाख करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। 5 साल में अतिरिक्त 3 करोड़ घर बनेंगे। एक भी व्यक्ति मेरे देश में छत के बिना नहीं रहेगा, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। मेरे भाइयों बहनों, तो आप जोड़ो एक पार्टी के साथ केवल नहीं, आप जोड़ो एक महाअभियान के साथ, आप जोड़ो देश की क्रांति के साथ। जिस भारतवर्ष में आज वैक्सीन का आविष्कार हो रहा है, जिस भारतवर्ष में G20 आयोजित हो रहा है, जिस भारतवर्ष के आधार पर आज अंतरिक्ष में विमान जा रहा है, जिस भारतवर्ष के आधार पर आज भारत माता का झंडा चांद पे भी गाड़ के रख दिया है प्रधानमंत्री जी ने, जिस भारत में राम लल्ला का मंदिर बन चुका, जिस भारत में कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए 370 रन करके रख दिया, उस भारत के महाअभियान के साथ आप जुड़ रहे हो मेरे भाई और बहनों। तो आज मैं आह्वान करने आया हूं, एक एक व्यक्ति, एक एक मेरी महिला, एक एक युवा, सब साथ में जुड़े। एक एक व्यक्ति 100 युवाओं को जोड़े, एक एक गरीब को जिसने बटन दबाया, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद प्रदान किया, उसे हमें अपना सदस्य बनाना होगा, अपना भाई बनाना होगा, अपना परिवार का एक एक व्यक्ति बनाना हो, सदस्य बनाना होगा। और इस अभियान में मैं आपसे आह्वान करने आया हूं, आओ जुड़ो। आज भारत अग्रसर हो चुकी है, भारत निकल चुकी है, भारत विकास के पथ पर चल चुकी है। आज हम निकल रहे हैं अमृत काल से शताब्दी काल तक, अमृत काल से शताब्दी काल तक निकल रहे हैं। और उस अमृत काल से शताब्दी काल के सफर पर जब भारत को विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभारना है, उस अभियान में जुड़ो। 140 करोड़ लोग इस अभियान में जुड़े और भारत माता को जिस शिखर पर पहुंचाना है, पहुंचाकर ही चैन की सांस एक एक नागरिक लगे, यही मैं आह्वान करने आया हूं। 2-2 डाक टिकट हमारे परशुराम भगवान के जिंदगी पर और 2800 महानिर्वाण पर, 2900 जन्म जयंती पर आने वाले दिसंबर में मैं निकाल रहा हूं जैन समाज के लिए टिकट। और साथ ही सागर मुनि जी के ऊपर भी हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और भगवान महावीर पर 20 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं डाक टिकट निकाला था। मेरा हमारा एक एक समाज को साथ में लेकर अभी कल हमारे कैबिनेट में जहां बंगाली को, मराठी को, पाली को,
सारे हमारे भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया भारत के अंदर, सभी को संयुक्त लेकर भारत को नक्षत्र की तरह उभारना होगा। तो आज संकल्प लेना होगा, संकल्प लोगे मेरे साथ, हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो और संकल्प लो। सदस्य अभियान में 51,000 भिंड पहुंच चुका है, 1,90,000 भिंड जिला पहुंच चुका है। 15 अक्टूबर तक ये टारगेट को डबल करना होगा, भिंड विधानसभा को 1,00,000 तक पहुंचना होगा और भिंड जिले को 4,00,000 तक पहुंचना होगा। पहुंचाओगे, देश के क्रांति में जुड़ोगे, तो हाथ उठाओ और मुट्ठी बांधो, बोलो मेरे साथ, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आज हमने विस्तृत चर्चा पूरे आज के लंबे प्रवास पर हमने की है। मेरा भिंड जिला एक वीरों का जिला है, मेरा भिंड जिला एक वीरों सपूतों की माटी के क्षेत्र, इस क्षेत्र की प्रगति और विकास मेरी जिम्मेदारी रहेगी, ये विश्वास मैंने आप लोगों को दिलवाया। पिछले 22 वर्षों में विकास और प्रगति लाने की पूर्ण मेहनत, संकट के समय जब बाढ़ आई थी, जब अतिवृष्टि हुई थी, आप लोगों के साथ ही एक खेत से दूसरे खेत में मैं घुमाऊँ अटेर में, हमारे भैगांव में, भिंड में, श्योपुर में, मुरैना में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे हमारे ग्वालियर भिंड एक्सप्रेसवे का विषय हो, चाहे ट्रेनों का विषय हो, भारत सरकार के हर मंत्रालय के साथ, हमारे स्थानीय नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, और आप लोग भी आइए, आप लोग भी आमंत्रित, आप भी मेरे परिवार के सदस्य, हम सब चलेंगे और हर संभव प्रयास मेरे क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए। भारत का पुनर्गठन आयोग बनाया है प्रदेश सरकार ने, उसमें मालनपुर को शामिल करने की चर्चा है ग्वालियर में, इसको लेकर यहाँ के लोग, मेरे मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जो मैंने देखा नहीं है। युवा कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर FIR दर्ज हुई है। किसके ऊपर? मितेंद्र सिंह के ऊपर, किसम का देखते हैं, किसके ऊपर? मितेंद्र सिंह के ऊपर। क्या यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, मुझे सूचना नहीं है, कुछ कारण होगा? उन्होंने एक लाडली बहना को लेकर अपने एक्स के हैंडल पर एक वीडियो डाला था। थैंक यू।